हेलो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि आपसे गुणा करनी नहीं आती होगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम देने जब जाओगे तो हमको जो हमसे गुणा करनी आती है वो इस तरह से करनी आती है, यानी कि लॉन्ग मेथड। हमको लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, हमको जवाब देना है कुछ ही सेकंड में बिना कॉपी पेन यूज करें। आज की इस वीडियो में हम दो संख्याओं की गुणा करना, कोई भी दो संख्या हो, तीन संख्याओं की गुणा, कोई भी तीन संख्या हो, उनकी गुणा करना सीखेंगे। कैसे बिना कॉपी पेंसिल यूज करें भी हम अपना आंसर कुछ ही सेकंडों में दे सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथियों देखिए, जब हमारे पास दो संख्या आ जाए, कोई भी दो संख्याओं की अगर गुणा करने के लिए हमारे पास आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे? तो हम इसको तीन स्टेपों में करेंगे। पहला स्टेप हमारा होता है इकाई अंकी गुणा आपस में करना। पहला स्टेप कौन सा होता है? इकाई अंकी गुणा आपस में करना। तो चलिए हम यहां से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला स्टेप कौन सा हमारा स्टेप है? इकाई अंकी गुणा आपस में कर देना, यानी कि 8 8 64। यहाँ 64 लिख लो, पूरा कितना लिख लो? 64 लिख लो। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ डंडा ऐसा खींच दिया। ठीक, अगला है इकाई व दहाई अंकी क्रॉस गुणा आपस में करना। इकाई व दहाई अंकी गुणा कैसे कर देना? इस तरह से आपस में क्रॉस कर देना, यानी कि 8 7 56 और 9 8 72। 56 और 72 को जोड़ लो, 56 + 72 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 128। कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे हम करेंगे 128 को यहां लिख लेंगे। ठीक है, 128 को लिख लिया, ये डंडा ऐसा हमने खेल दिया, यानी कि कॉलम बना दिए मैंने, कॉलम अलग अलग। ठीक है, अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कह रहा है दहाई अंकी गुणा आपस में करना। जो हमारी ये दहाई अंक है इसकी गुणा आपस में कर दो, यानी कि 9 7 63। तो 63 हमने यहां लिख लिया पूरा के पूरा। अब कैसे करेंगे? अब हम इसको ऐसे करेंगे कि जब हम देखते हैं कोई हम चीज जोड़ते हैं तो इकाई का अंक हम उठाएंगे हम सब में से। जैसे इसमें से 4 ले लिया तो हम 4 को यहां रखेंगे, 4 ले लिया, बचा कितना? 6। 6 को इसमें आगे जोड़ दो, 128 6 134 हो गया। 134 में से हम 4 ले लेंगे, 13 हम शेष रख लेंगे, 13 इसमें आगे जोड़ देंगे। 13 जब हम इसमें आगे जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 76। यही आपका राइट आंसर हो गया, 76 44। हम इसको ऐसे ना करके हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 8 8 64 को कितना हो जाएगा? 64 का 4 हो जाएगा, यहां से लगेंगे 6। ठीक है, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 7 56, 9 8 72। 56 और 72 कितने हो गए? ये हो गए 128, और 6 हमारा हासिल बच रहा था, कितने हो गए? 134 हो गए। 134 में हम 4 रख लेंगे, 13 हमारा शेष बाकी रह जाएगा। अगले स्टेप में 9 7 63, 63 और 13 कितना हो जाएगा? 63 और 13 हो जाएगा 76। तो ये हो गया हमारा 76 44 राइट आंसर। एक ही लाइन में आप आसानी के साथ में अपने किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, कॉपी पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड ही माइंड में आप कैलकुलेशन करके आप आंसर दे सकते हो। यही चीज होती है कि एग्जाम में कैसे समय बचाया जाए, इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से आप एग्जाम में समय बचा पाओगे और सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। अब चलते हैं, उम्मीद करता हूं कि 2 डिजिट की अगर आपके पास कोई भी संख्या आ जाए तो आप गुणा करने में हिचकिचाओगे नहीं, आप सही आंसर कुछ ही सेकंडों में चुटकों में दे दोगे। अब चलते हैं, 3 संख्याओं की अगर कोई भी 3 संख्या आपके सामने आ जाए तो उनकी कैसे गुणा करोगे? 3 संख्याओं की अगर आपको गुणा करने को दी जाए तो हमको 5 स्टेपों में उसकी गुणा करनी है। 5 स्टेपों में, इन 5 स्टेपों से आप एक ही लाइन में बिना कॉपी और पेन के भी आप अपना आंसर दे सकते हो, बशर्ते उससे पहले आपको 10-15 बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा, इसको करना पड़ कर करके देखना पड़ेगा रिवीजन। तो चलिए, 3 अंक की कोई भी संख्या हो उसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला है इकाई अंक की आपस में गुणा कर देना। इकाई अंक की क्या कर देना है? आपस में गुणा कर देना है। सबसे पहले हम इसी मेथड से करेंगे, है ना, 9 7 63। 9 7 कितना हो गया? 9 7 हो जाता है 63। ठीक है, हमने 63 लिख लिया। ठीक, क्या लिख लिया हमने? हमने लिख लिया 63। अब दूसरा स्टेप कहता है इकाई व दहाई अंकी क्रॉस गुणा कर दो आपस में। इकाई व दहाई अंकी, देखिए ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। अगर इससे आगे भी कोई संख्या होती तो वो 1000 हो जाता, फिर क्या हो जाता? फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते। तो हमसे कहा गया दूसरे स्टेप में कि इकाई व दहाई अंक की क्रॉस आपस में गुणा कर दो। 9 2 18, 6 7 42। 42 और 18 कितने होते हैं? ये होते हैं 60। तो हम क्या कर देंगे? हम यहां पर 60 लिख लेंगे। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। चलिए, अगला तीसरा स्टेप कहता है
के इकाई व सैकड़ा की क्रॉस गुणा कर दो प्लस दहाई की गुणा आपस में कर लो, यानी कि दोनों को जोड़ दो। कैसे? देखिए, नौ छक्का 54 और 8 सत्ते 56, यानी कि 54 प्लस 56, ये तो कह रहा है इकाई व सैकड़ा की क्रॉस गुणा करो, इकाई की और सैकड़ा की क्रॉस गुणा कर दो, 9 छक्का 54 8 सत्ते 56 प्लस दहाई की गुणा कर दो, यानी कि जो दहाई है 6 और 12, तो 6 गुणा 2 मतलब 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 6 8 और 4 12, 12 को 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 5 12, यानी कि 122, 122 को हम यहां लिख लेंगे, 122 को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे यहां से आगे। अब जब हमारे तीन स्टेप हो चुके हैं तो अब हम चलेंगे चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप कहता है दहाई व सैकड़ा की क्रॉस गुणा आपस में कर दो, यानी कि दहाई की व सैकड़ा की आपस में क्रॉस गुणा कर दो, 6 छंग 36, 8 दूनी 16, 36 और 16 कितने होते हैं, 36 और 16 होते हैं 52, कितने, 36 और 16 होते हैं 52, 52 है ना, 52, 36 और 16 52 होते हैं, ठीक। आगे बढ़े, अब हमारे चार हो गए, अगला है और लास्ट है कि सैकड़ा की गुणा आपस में कर दो, यानी कि ये वाला सैकड़ा जो सबसे लास्ट का है, कॉमन है पहले में भी और दूसरे में भी, ठीक है। 6 8 48, तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम 48। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इकाई का अंक लेते चले जाएंगे, बाकी जो छूटेगा उसे अगले में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे इसमें 3 है तो यहां लिख लेंगे हम 3, ठीक है, यहां 6 बच गया तो इसमें जोड़ देंगे, इस 6 को क्या कर लेंगे, इस 6 को हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया, ये होगा 66, 66 है ना, ये होगा 66, 66 में से 6 हम यहां उतार लेंगे। अब बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 6, बचा कितना हमारे पास 6, तो 6 को हम फिर यहां ले आएंगे, ठीक है। अब जब यहां 6 आ गया तो ये कितना होगा, 128, तो 128 को हम 8 यहां उतार लेंगे, बचा कितना हमारे पास 12, 12 को हम यहां ले आएंगे, ठीक है। अब 12 और 52 कितना हो गया, ये हो गया 64, 64 को हम यह 4 यहां उतार लेंगे, बचा कितना हमारे पास 6, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आंसर कितना बैठा है, 54 48 63, 54 48 और 63 आप गुणा करके देख सकते हैं, इसका यही आंसर निकल कर आ जाएगा। ये था दो अंक की संख्याओं का गुणा आपस में करना, तीन अंक की संख्याओं का गुणा आपस में करना, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही बार आपको समझना पड़ेगा अच्छे से कि पहले क्या करते हैं, अगर दो डिजिट किया जाए, दो डिजिट में पहला है कि इकाई अंक की गुणा कर दो, फिर दोनों की आपस में क्रॉस गुणा कर दो, और तीसरा है दहाई अंक की गुणा कर दो, ये तो है पहले का। अगर दो संख्याओं की अगर गुणा करनी है, तीन की करनी है तो क्या करना है, पहले इकाई की कर दो, दूसरे में दहाई की और इकाई की आपस में गुणा कर दो, और तीसरा कहता है कि इकाई की और सैकड़ा की गुणा कर दो, ठीक है, प्लस दहाई की आपस में गुणा कर दो, और चौथा स्टेप कहता है कि दहाई की और सैकड़ा की गुणा कर दो, और पांचवा कहता है कि सैकड़ा की गुणा कर दो और उनको जोड़ दो, इस तरह से ये हो गया आपका सवाल। ऐसे ही चुटकियों में आप निकाल सकते हो, ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार है, आपको थोड़ा हो सकता है कि लग रहा हो लॉन्ग है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी के साथ में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर किसी और नई ट्रिक के साथ में फिर मिलेंगे आगे, धन्यवाद।